पुणे और हावड़ा के बीच चलने वाली दो इम्पोर्टेंट गाड़ियाँ, एक हमारी आज़ादी और दूसरी हमें क्रॉस कर रही है अभी दुरंतो एक्सप्रेस। बिलासपुर कोचिंग डेपो इधर, और जो वो वाली लाइन है वो जा रही है आपकी कटनी की तरफ, पेंडा रोड, अनूपपुर, शहडोल होते हुए। वो रही बिलासपुर बाईपास लाइन, कुछ ट्रेन जाती है, कुछ नहीं बहुत सारी ट्रेन जाती है बिलासपुर को बाईपास करते हुए उखलापुर की तरफ, जो आती है रायपुर की तरफ से, दुर्ग रायपुर। आना पाना पाटा हमारी बीच में कहाँ रोके हम लोगों, और ये फिर हम लोग अभी ओवरटेक कर रही है। वाह, वैसे इसको अभी हम लोग ओवरटेक किए थे, पता नहीं क्यों हॉल्ट किया। निकले अब हम यहाँ से, अमृतसर बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस।
बंदा गोरी शिवनाथ नदी। not अभी हम लोग पहुंचे हैं भाटा बारा 1.5 घंटे के ऊपर के डीले के साथ। यहाँ हम लोग रुकेंगे और जो फ्रीट कॉपी हम लोग ने जस्ट ओवरटेक किया है उसको ग्रीन मिला हुआ है तो वो शायद आगे निकल सकती है हम लोग के। ग्यारह बज के 16 मिनट पर हम लोग निकल रहे हैं भाटापारा से। 11:40 का तो दुर्ग का टाइम है लेकिन अभी तक तो भाटापारा रायपुर भी नहीं पहुंचेगी शायद।
यहाँ उरकुरा पे हम लोग आ रहे हैं थर्ड लाइन से, मिड लाइन से थर्ड लाइन पर। उरकुरा वैसे हमारे सामने जो वैफोर लगा हुआ है वो है बटवा का, बटवा वैफोर लगा हुआ है आज हमारी ट्रेन को। बैकुंठ में एक रेल फैन आपको दिखाया था मैंने, तो उसने कैप्चर किया था, उसी से अपडेट मिला मुझे कि बटवा का वैफोर है। रात को कल देख नहीं पाया था और अभी भी देख सकते हैं, बहुत आगे है वो। राइट में जो दो लाइंस है वो है रायपुर बाईपास वाली लाइंस, मोस्टली जो फ्री ट्रेन्स होती है वो लेती है लाइन। ये एक्चुअली यहाँ उरकुरा से आगे सरोना तक है, सरोना रायपुर जंक्शन के बाद आएगा हमें, तो वहाँ पर जाके मिलेगी ये लाइंस, रायपुर को बाईपास करती है, क्योंकि रायपुर में प्लेटफॉर्म्स कम है और वहाँ जगह कम है फ्रीट को पासिंग देने के लिए, इसीलिए ये बाईपास लाइन बनाई गई थी बहुत पहले। एक ज़माने में दुरंतो एक्सप्रेस भी उसी पर जाया करती थी, लेकिन अब दुरंतो का स्टॉपेज रायपुर में दे दिया गया है, जो दोनों पुणे वाली भी और मुंबई वाली भी, अब वो वाली लाइंस नहीं लेती दुरंतो। मेरे ख्याल से पृथ्वीराज ने लिया है एक वीडियो दुरंतो में, उसने वो शायद वो लाइन दिखाई है, मैंने आज तक नहीं दिखाया वैसे। WRS कॉलोनी पैसेंजर हॉल, वहाँ से एक सिंगल लाइन आ रही है, शायद आप देख पा रहे होंगे, वो जा रही है टिटलागढ़ की तरफ और आगे जाती है विशाखापट्टनम, उधर पूरी साइड की तरफ संबलपुर वगैरह भी जाती है वो लाइन, तो यहाँ से रायपुर से निकलती है। अभी तो फुली इलेक्ट्रिफाइड हो चुकी है, तो समता एक्सप्रेस है, पूरी दुर्ग एक्सप्रेस है, अहमदाबाद पूरी एक्सप्रेस है, पूरी जाने वाली जो गाड़ी है, विशाखापट्टनम जाने वाली गाड़ियाँ सब ये लाइन लेती है रायपुर से जो गुजरती है। दुर्ग हज़रत निज़ामुद्दीन हमसफ़र एक्सप्रेस, ऑलमोस्ट एक साल बाद में आ रहा हूँ यहाँ पर, ऑलमोस्ट एक साल, लास्ट जुलाई में आया था उसके बाद अब आ रहा हूँ, यहाँ पहुँच चुका हूँ, यहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग अभी रायपुर जंक्शन पर, एक डेढ़ घंटे के डिले के साथ, एक घंटे का डिले। तो करीब एक घंटा 15 मिनट के डिले के साथ 12:09 पे निकल रहे हैं हम लोग यहाँ रायपुर जंक्शन से। ये कैपिटल सिटी है छत्तीसगढ़ का, हाँ ऑलमोस्ट 11 महीने के बाद मैं आ रहा हूँ रायपुर और छत्तीसगढ़ भी। चलो फिर पहुँचते हैं मेरे होम टाउन भिलाई की तरफ, पढ़ते हैं अभी। वैसे उधर के प्लेटफॉर्म में रायपुर लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेस खड़ी हुई है, खाने पीने की तो कोई कमी नहीं है वैसे रायपुर में अगर आप जा रहे हो तो यहाँ से। और अगर कोई बोलेगा कि छत्तीसगढ़ का बहुत ही कम कवरेज है, तो मेरा चैनल उठा के देख लीजिए, इतना कवरेज आपको छत्तीसगढ़ का मिलेगा जहाँ किसी और चैनल को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर कि कम कवरेज है। मेरे साथ साथ मेरे जितने भी छत्तीसगढ़ के रेल फैन साथी है उन सभी के चैनल्स में बहुत कुछ है देखने को मिलेगा। वो रही गरीब रथ एक्सप्रेस, इतवारी बिलासपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस। यहाँ एक लाइनअप लगा हुआ है लोकोमोटिव्स का भी, अंगुल वैक्स 7, बिलाई वैक्स 7, 302, ओके 202, नव भारती उस नाम का वैक्सीन का नाम, 703525025 विशाखापट्टनम का, 22914, 39197।
वो जो नव भारतीय इंडिया का सेकेंड वेब सेवन है, 30202, और ये जा रही है इतवारी बिलासपुर इंटरसिटी। इसका रेक शेयरिंग है गेवरा रोड इतवारी शिवनाथ एक्सप्रेस के साथ, जो रात के टाइम में चलती है, ओवर नाइट ट्रेन है वो। और एक पैसेंजर भी है, गेवरा रोड बिलासपुर पैसेंजर, बिलासपुर गेवरा रोड पैसेंजर। सरस्वती नगर, वो रही रायपुर बाईपास लाइन जो कि बुढ़कुरा से निकली थी और अभी हम लोग को यहाँ मिल रही है सरोना में। वैसे अभी सरोना से राजनांदगांव 3 लाइन है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें मिड लाइन में लेने वाले हैं अभी यहाँ से। वैसे मिड लाइन मेरी फेवरेट है सरोना से दुर्ग के बीच। सरोना मिड लाइन में आ गए हम लोग। हारून कुम्हारी स्टेशन, कुम्हारी के जस्ट बाद जो अप मेन लाइन है वो थोड़ा घूम के जाती है, वहाँ पर एक भिलाई मार्शलिंग यार्ड है, भिलाई मार्शलिंग यार्ड को पूरा घूम के दूसरे अपोजिट साइड से जाती है वो। ये जो मिड लाइन है और डाउन लाइन है थर्ड लाइन, वो यहीं से जाती है इस साइड से। ये कैबिन
ठीक है फिर। मास्टरिंग यार्ड का ट्रिप शेड आप देख सकते हैं कितने सारे लोकोमोटिव्स पड़े हुए यहाँ। देव बलोदा चरोदा वहां पर है मेमू कार शेड और ये रहा भिलाई का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड भिलाई ELS। दुर्ग जम्मू तवी एक्सप्रेस शुरू हो जाता है भिलाई का स्टील प्लांट। जैसे आप देख सकते हैं ये इस एरिया का इस SECR रीजन का सबसे बड़ा प्लांट है और इस प्लांट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो रेल लाइंस जो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 90% ऑफ द रेल लाइंस मोर देन 90% यहाँ भिलाई स्टील प्लांट में ही बनती है। मेरी खुशकिस्मत ये है कि मैं एक ऐसे रेल हब से जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पर रेल की जो नींव है यहाँ रखी जाती है। मेरे फादर खुद यहाँ भिलाई स्टील प्लांट में ही काम करते हैं। सेल अथॉरिटी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर आता है भिलाई स्टील प्लांट और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के मैक्सिमम जितने प्लांट है सब में यही एकमात्र प्लांट है जो थोड़ा प्रॉफिट में रहता है। ये देखो इसी साइड कहीं पर है रेल मिल, एक्चुअली मैं जा चुका हूँ इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ। रेल मिल उधर अंदर में जाना पड़ता है उसके लिए और टाइट सिक्योरिटी रहती है तो अंदर तो शूटिंग वगैरह कुछ अलाउ नहीं है। ये मेरा इलाका है, मेरा इलाका। इस रोड से भी कई बार मैं वीडियोस बना चुका हूँ, एकदम पैरेलल चलता है एकदम रेल लाइन के साथ साथ। भिलाई पावर हाउस है भिलाई की टाउनशिप सेक्टर 1। अपने शहर से गुजरने की खुशी कुछ और ही होती है। सुपेला रेलवे फाटक
मेरे बहुत सारे कई पुराने वीडियोस यहाँ से लिए गए, शॉट किए गए मेरे। स्टार्टिंग मैंने रेल फैनिंग यहीं से की थी, इसी लोकेशन से। मेरे घर का सबसे नज़दीकी लोकेशन है ये। सॉरी थोड़ा सा खींच खाच के बना रहा हूँ, लेकिन अपने घर के यहाँ से जाने पर जो खुशी मिलती है ना, इसलिए मैं पूरा दिखाना चाहता हूँ। भिलाई नगर, ये मेरे घर के सबसे नज़दीक यही पड़ता है अभी, भिलाई नगर। और यहाँ अनशेड्यूल्ड हॉल अगर हुआ बहुत खुश हो जाऊँगा मैं। फाइनली भिलाई नगर पे गाड़ी रुकी है यार, एक तो मतलब इतना अलग से खुशी हो रहा है ना, ऑलमोस्ट एक साल बाद आ रहा हूँ यहाँ पर, तो इतने टाइम से मेरे को आना ही नहीं हो रहा था यहाँ पर, और आया भी गाड़ी वैसे पास कर रहा हूँ बस। अभी नेक्स्ट वीक मैं आने वाला हूँ वैसे प्रॉपरली, तो उस टाइम जो भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा कौन सी गाड़ी से आ रहा हूँ। आज़ादी एक्सप्रेस है भिलाई नगर। एक टाइम था जब मैं यहाँ पर पूरा सिर्फ यहीं पर बैठ के शूटिंग करता था, यहीं पर बैठा रहता था दिन भर। ये मेरा प्राइम लोकेशन था, जो आप मेरे पुराने एकदम रेल फैनिंग एकदम स्टार्टिंग के रेल फैनिंग वीडियोज़ आप देख सकते हो, भिलाई पावर हाउस, भिलाई नगर, दुर्ग में भी, तो यहीं के मिलेंगे सब। यहाँ से ऑलमोस्ट मेरा घर करीब 5 किलोमीटर दूर है एकदम स्ट्रेट, लेकिन 5 किलोमीटर भिलाई के हिसाब से 10 मिनट का रास्ता है, सिर्फ 10 मिनट का। बेंगलोर में 5 किलोमीटर मतलब आधा घंटा के ऊपर, 45 मिनट भी लग जाता है कभी कभी। फाइनली एट भिलाई नगर। एक 3-4 मिनट के हॉल के बाद हम लोग निकल रहे हैं अभी भिलाई नगर से। एक टाइम पे मेरा अड्डा हुआ करता था ये, दिन भर यहीं पड़ा रहता था, ट्रेन देखता रहता था, फिर बाद में रेल फैनिंग चालू किया इसी जगह से, मतलब एक्चुअली पहला तो पांडुना था, लेकिन प्रॉपर जो रेल फैनिंग बोलते हैं ना कंटिन्यूस वाला, वो यही था। गर्मी हो, बारिश हो, ठंड हो, बेस्ट स्पॉट था मेरे लिए, यहीं पर बैठ के बढ़िया से ट्रेन्स को देखते रहो। आप मेरे पुराने वीडियोस अगर आप देख सकते हो तो देख लो, एकदम पुराने जब मैं प्रॉपर रेल फैनिंग करता था, यही के लोकेशन, इस लोकेशन के ही ज़्यादा मिलेंगे आपको भिलाई नगर। दुर्ग लिंक ब्लॉक सेक्शन, ये जो ब्रिज दिख रहा है यहाँ से भी मैं बहुत बार रेल फैनिंग कर चुका हूँ, मस्त मस्त शॉट्स आते थे यहाँ से, अभी भी आते होते। इधर लेफ्ट में लाइन आ रही है, एक वो आ रही है दिल्ली राजा की तरफ से मरदोता से होते हुए। अभी दिल्ली राजा के आगे केवटी तक बन चुकी है वो लाइन, आगे उसका काम चल रहा है जगदलपुर तक एक्सटेंड करने का। भिलाई टाटा नगर, भिलाई 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 के ऑप्शन आपको भर भर के मिलेंगे, वो छोड़ो। मोतीबाग नागपुर हो गया, अभी रायपुर का नहीं रहा ये एल्को, छोटा मोटा शंटी का काम कर रहा है। DDU वैक 7 फाइनली कितने दिनों बाद में पहुंचा दुर्ग जंक्शन। यह मिस्टिंग शावर है, ये देखो ऊपर में मिस्ट है। अरे बड़े लोग सीढ़ियों चाचा कैसे, ये हमारे SECR के बंदे लोग, आईफोन वाले बड़े लोग, आईफोन वाले नहीं, ये SECR के मेरे प्यारे दोस्त लोग, भिलाई के प्यारे दोस्त लोग, अमित जी जिसके आप कई बार देख चुके हैं, प्लस अपना राजिल भाई, राजिल गुरु जी अभी तो निब्बा से ऊपर उठ चुका है, अब नहीं, अब तो टीचर बन गया ये। चलो बातें करते हैं इन लोग से, ठीक है। बाय बाय राजिल, बाय अमित सर,
दुर्ग जंक्शन से निकला हूँ मैं अभी पहली बार। यहाँ से ना तो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट किया ना अपनी एंड किया, पहली बार थ्रू जा पास कर रहा हूँ। आता है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंदर गोंडवाना एक्सप्रेस, टाइगर निजामुद्दीन। और आप देख सकते हैं मिस्टिंग पानी है, पानी के फवारे छोड़े जा रहे हैं यहाँ पर ठंडक लाने के लिए गर्मी के टाइम में। ये सिस्टम दुर्ग का मेरे को बहुत सही लगता है। रायपुर में भी था लेकिन काम नहीं कर रहा था, रायपुर में यहाँ काम कर रहा है गर्मी के समय में लोगों को राहत देने के लिए। मस्त है ये सिस्टम है मिस्टिंग का। निजामुद्दीन रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस, उधर कौन सी थी, मेरे ख्याल से पूरी दुर्ग होगी, या पूरी दुर्ग थी वो। यहाँ चेन पुलिंग पे रुके थे हम लोग दुर्ग के जस्ट बाद। मैं ले रही वो ट्रेन जिससे मैं जल्दी आने वाला हूँ, सिकंदराबाद रायपुर एक्सप्रेस। देवर चलो अभी अंदर बैठते हैं, वो थोड़ा सा आराम करते क्योंकि फ़ोन भी गर्म हो चुका है थोड़ा सा और उसको चार्जिंग की भी ज़रूरत है। क्रॉस कर रहे हैं अभी हम लोग रसमाड़ा और यहाँ पर थर्ड लाइन जो है वो है रिवर्स लाइन, तो हम लोग अभी वहीं पर लिया गया है थर्ड लाइन पे। मेन अप लाइन, बीच में मिड लाइन और यहाँ थर्ड लाइन, जो थर्ड लाइन उसको रिवर्स बना दिए इन लोग। राजनांदगांव 1:35 पे हम लोग पहुंचे अभी राजनांदगांव। निकले हम राजनांदगांव से, पुणे हावड़ा आजादी एक्सप्रेस यहाँ क्रॉस हुई। तो करीब करीब आधा घंटा हम लोग को यहाँ रोका गया आउटर में डोंगरगढ़ के, और अभी हम लोग वैसे चल रहे हैं जो थर्ड रिवर्स लाइन में, वो ऊपर आप देख सकते हैं बम्बलेश्वरी माता जी का मंदिर, वहाँ से भी लिया है मैंने वीडियो ऊपर से, उसका भी लिंक चाहे तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे एक ज़माने में डोंगरगढ़ में स्टीम लोकोमोटिव शेड हुआ करता था, यहाँ पर स्टीम लोकोस थे पहले, बहुत साल पहले 94 के आसपास के, उससे पहले भी। बम्बलेश्वरी माता जी का मंदिर वो ऊपर में, यहाँ एक फ्लीट आई है हम लोग को ओवरटेक करके, अभी इसका बैंकर लग रहा है, बैंक करेगा इसको। और यहाँ पहुँच चुके हैं वो भी डोंगरगढ़,
और ये जो रेल लाइन आपको दिख रही है बनी हुई, वो भिलाई स्टील प्लांट से निकली हुई है। डोंगरगढ़, तो दोपहर को 2:36 पर हम लोग पहुँचे अभी डोंगरगढ़, समय से 2 घंटे के डिले के साथ, 2 घंटा डिले हुए, 12:35 का इसका टाइम था पहुँचने का। तो 2 घंटे के डिले के बाद हम लोग अभी निकले हैं डोंगरगढ़ से। यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर बम्बलेश्वरी माता का मंदिर दिख रहा है, काफ़ी क्लियर दिख रहा है एकदम। 1000 सीढ़ियाँ है लगभग, चढ़ के जाना पड़ता है वहाँ मंदिर पे। वैसे रोप वे भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर। यहाँ से आगे थर्ड लाइन शायद तक नहीं है, तो इसीलिए वापस से अब मेन लाइन पर जा रहे हैं। ये थोड़ा अजीब लगा मेरे को, लेकिन रसमड़ा से हम लोग को इधर एकदम कोने में घुसा दिए थे। नीचे भी एक मंदिर है यहाँ पर। डोंगरगढ़ में महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, MP से दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ दर्शन के लिए। थर्ड लाइन शायद चालू हो गई है, देखते हैं कहाँ तक है। मैं बहुत टाइम पहले आया था यहाँ पर, इसलिए मेरे को आइडिया नहीं है अभी थर्ड लाइन कहाँ तक है। तो यहाँ पीछे से भी रास्ता है डोंगरगढ़ में चढ़ने का, ऊपर में बम्बलेश्वरी माता के मंदिर पर। ब्रिज की तो लाइन लगी पड़ी है एक के पीछे एक। मुंबई हावड़ा मेल तो पनिया चौक तक ही था शायद थर्ड लाइन, क्योंकि यहाँ मुझे दिख नहीं रही है और उस साइड भी नहीं है। हाँ
तालाब अहमदाबाद पुरी एक्सप्रेस। वैसे जो दूर से नागपुर का रूट है वो LHB के लिए 130 सर्टिफाइड हो चुका है, लेकिन हमारी ट्रेन आईसीएफ इसलिए मैक्सिमम 110 कर रही है अभी। अरे कसा हाजरा फॉल्स। साले का साहब।
रायगढ़ गोंदिया जनशताब्दी के कोचेस। ये लाइन आ रही है जबलपुर से नैनपुर बालाघाट होते हुए। फ्रीट भी खड़ी हुआ वहाँ पर। एक ज़माने में नैरो गेज हुआ करती थी, उसमें एशिया की फास्टेस्ट नैरो गेज ट्रेन भी चला करती थी 1001 सतपुरा एक्सप्रेस बालाघाट जबलपुर। फिर से करीब 2 घंटे के डिले के बाद हम लोग अभी पहुंचे हैं गोंदिया पर, गोंदिया जंक्शन। तो गोंदिया पहुंचे हम लोग 2 घंटे के डिले के साथ, और पता नहीं शायद नागपुर भी 2 घंटे के डिले के साथ ही पहुंचेंगे कि क्या, या थोड़ा कवरअप कर सकती है आगे अगर इसको क्लियरेंस मिला अच्छा। तो वैसे गोंदिया को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जो बिलासपुर नागपुर वाली जो मेन लाइन है उसके अलावा जो एक लाइन, दो लाइंस निकलती है, एक जाती जबलपुर की तरफ, एक जाती बल्लारशाह की तरफ। तो ऐसे करके दो अलग अलग लाइंस एक्स्ट्रा निकलती है यहाँ से, तो इसी कारण गोंदिया को जंक्शन कहा जाता है। पहले जो जबलपुर वाली लाइन थी बल्लारशाह तक ब्रॉडगेज थी, और फिर उसके आगे वो नैरो गेज हुआ करती थी, बट अब पूरा एंड टू एंड ब्रॉडगेज हो गया है। चलिए फिर कंटिन्यू करते अपनी जर्नी। 3:46 पे हम लोग अभी निकल रहे हैं गोंदिया जंक्शन से। जब इंटर कर रहे थे तब दिख रही जबलपुर वाली लाइन, अब जब एग्जिट कर रहे हैं तब ये से यहाँ से दिख रही है आपको बल्लारशाह वाली लाइन, वो उधर जा रही है। वैनगंगा एक्सप्रेस जो कोरबा से आती है ये लाइन लेके बल्लारशाह की तरफ से जाती है, और एक चेन्नई गया चेन्नई एक्सप्रेस है जो जबलपुर वाली लाइन से आके बल्लारशाह वाली लाइन लेती है, ऐसा कुछ है। गोंदिया से नागपुर के बीच का सफर है लगभग 2 घंटे का, बीच तुमसर आएगा, भंडारा आएगा। तो अभी तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए, और देखते हैं कहाँ पर थोड़ा सा मतलब एक छोटी झपकी ले लेता हूँ मैं, 3 जा खुलेगी वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, भंडारा और तुमसर शायद मैं स्किप कर सकता हूँ। ठीक है, लेफ्ट वाली लाइन आ रही है वो रामटेक से, रामटेक।
बिलासपुर बाईपास टूअर घूमनी। और ये ट्रेन जा रही है इतवारी, आगे नीचे से भी जाती है लाइन। एक ये आ रही है लाइन इतवारी की तरफ से, जो लाइन कलमना में डाइवर्ट हुई थी वही लाइन है इतवारी से होते हुए। नैरोगेज टैग नीचे। उधर का रास्ता जाता है प्लेटफॉर्म नंबर 8 की तरफ नागपुर स्टेशन के, और बाकी के प्लेटफॉर्म सब इधर है 1 से 7 तक। और यहाँ पर है द फेमस डायमंड क्रॉसिंग ऑफ नागपुर। वो लाइन वहाँ जा रही है दिल्ली की तरफ भोपाल होते हुए, इटारसी भोपाल नागपुर इटारसी लाइन है बेसिकली, आगे दिल्ली की तरफ जाती है भोपाल दिल्ली झांसी। और उसी लाइन पे अभी आगे बढ़ रही है ये ट्रेन WAP4 LHB के साथ। वाह, यशवंतपुर गोरखपुर एक्सप्रेस फुल पैक। अरे रे जा रही 1000 रुपये का ये, बाप रे इसका स्लीपर भी वैसी है। अरे तेरी खतरनाक भीड़ है यार इसमें। अच्छा 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्लीपर है, उसमें भी AC1 है वो, तभी इतनी पैक जा। अच्छा M1 भी है इसमें, AC3 टायर इकोनॉमी, B7 AC ज़्यादा है गाड़ी में। आ रही है इसी एक्सप्रेस की यशवंतपुर गोरखपुर एक्सप्रेस। यहाँ फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग अभी नागपुर जंक्शन पर। और यहाँ खड़ी है निजामुद्दीन हैदराबाद दक्षिण एक्सप्रेस। वाह, कल्याण के WCAG1 लोकोमोटिव से ये, और वो वहाँ खड़ी है कोचुअली कोरबा एक्सप्रेस निकलने को तैयार। हम लोग यहाँ पहुँचे फाइनली नागपुर जंक्शन पर शाम के 5:29 पर।